अपने पतियों द्वारा शराब पीकर मारपीट करने और सामान बेचने से गुस्साई बड़का की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने डंडे लेकर शराब के ठेके पर धावा बोल दिया। महिलाएं शराब के ठेके में घुस गई और तोड़फोड़ का प्रयास करते हुए शराब के पौधे बाहर फेंक दिए। शराब को सड़क पर बखेर दिया गया। गुस्साई महिलाओं ने हिलवाड़ी मार्ग पर जाम लगाकर नारेबाजी करते हुए ठेके का तालाबंद करवा दिया। महिलाओं ने बताया कि गांव में शराब का ठेका होने से उनके पति जो भी कमाते हैं उसकी शराब खरीद कर पी जाते हैं और नशे में उनके साथ केवल मारपीट करते हैं बल्कि घर का सामान भी बेच देते हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वह गांव में ठेका खुलवाना नहीं चाहती। इस मामले में जब उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने ठेके पर हंगामा करते हुए तालाबंद करवा दिया और चेतावनी दी कि यदि ठेके को दोबारा खोला गया तो यहां ठेके में आग लगा दी जाएगी। सूचना के बाद इंस्पेक्टर एमएस गिल पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। कर सकते हैं तो फिर वोट देने का फायदा क्या है? जो प्रधानमंत्री जी का राशन दे रहे हैं योजना में वो भी बेच रहे हैं, राशन से ही वो भी बिक रहा है क्या घर में? हाँ, नहीं, सिर्फ राशन से ही काम चलता है और कुछ नहीं चाहिए घर में। आज यहाँ पे क्या हुआ है ये बताइए? आज यहाँ पे नहीं, यहाँ तो हमेशा ही होता है, तो इसलिए सभी औरतों ने ये सलाह बनाई कि वहाँ पे जाकर देखे कि हमारे प्रधानमंत्री क्या मदद करते हैं, हमारे लिए कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। धन्यवाद।